बुटीबोरी येथे उडान पूल बस स्थानक व ईएसआयसी दवाखान्याचे भूमिपूजन. बुटीबोरी येथील 17 वर्षापासून रखडलेले उडान पुलाचे भूमिपूजन 15 जुलै दुपारी 11:30 बुटीबोरी बसस्टॉप चौकात माननीय श्री नितीनजी गडकरी, केंद्रीय मंत्री रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार तसेच ऊर्जा व नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक शुल्क व पालकमंत्री माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भूमिपूजन करण्यात आले आहे. नागपूर हैदराबाद जंक्शन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 7 वरील 26280 किलोमीटरवर बुटीबोरी येथील MIDC जंक्शन येथे 50 कोटी लागतच उडान पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. या उद्घाटन प्रसंगी माननीय श्री कृपाल तुमाने, आमदार समीर मेघे, आमदार सुधाकर कोहडे, खासदार विकास महात्मे, आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी, जिल्हा भाजप अध्यक्ष राजीव पोतदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, माजी सरपंच बुट्टीबोरी वंदना ठाकरे, बबलू गौतम, प्रवीण शर्मा, आकाश वानखेडे, अविनाश गुजर, विनोद लोहकरे, बाबू पठाण उपस्थित होते. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माझे सहकारी संतोष गंगवारजी, चंद्रशेखरजी, गोपाल तुमानेजी, डॉक्टर महात्मेजी, समीर मेघे, आमदार रेड्डीजी, आमदार सुधाकर कोळे, डॉक्टर पुद्दार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आणि उपस्थित सर्व बांधवांना आणि बहिणी, सबसे पहिले मैं संतोष गंगवारजी को आप सबकी ओर से और मेरी ओर से मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 180 करोड़ रुपए खर्चा करके 200 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल यहां बुटीबोरी में बनाने के बारे में आज इसकी शुरुआत की है. उनके और एक धन्यवाद देता हूं कि हमारे नागपुर शहर में रघुजी नगर के क्षेत्र में हमारे आमदार सुधाकर कोड़े जी ने मुझे और देवेंद्र जी को प्रार्थना की थी कि वहां अस्पताल तो ठीक से चल रही रहा, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बहुत तकरारें आती है. मेरा आज तक समझ ये था कि ये ईएसआई चलाता है, आज पता चला कि ये महाराष्ट्र सरकार है. और इसलिए सुधाकर कोड़े जी ने अनुरोध किया हमसे कि आपको हम प्रार्थना करें कि ये ईएसआई चलाने के लिए लें, और हमने आपसे विनती की और आपने उसको मान्य किया और ईएसआई की तरफ चलाने के बारे में निर्णय किया. इसलिए मैं नागपुर की जनता की ओर से यहाँ का सांसद होने के नाते फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. संतोष जी को दिल्ली जाना है, उनका प्लेन अभी है, इसलिए ये जो अस्पताल बनेगा इसलिए उनसे प्रार्थना करूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बजाय यहां एक करीब इसका जो मुझे बताया गया है कि 1,19,785 बीमा धारक कामगार इस क्षेत्र में आते हैं. अनेक गरीब कामगारों को 5-स्टार हॉस्पिटल में जितनी अच्छी सहूलतें और सुविधाएं मिलती है, सरकारी दरों से वो सुविधा है इस अस्पताल में मिले और वो अत्याधुनिक हो और कम समय में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं. आज आपल्या आनंदाची गोष्ट आहे की या रस्त्यावर सगळ्याच पुलांना माहीत नाही मला काय शाप होता, पण सगळे कामं बंद होते. आपला नागपूरचा आरोग्य त्याच्यात संकटवेळी तो आता सुरू झाला. बुटीबोरीमध्ये इथे एक बारवाला आहे, त्यांनी तक्रार करून आपल्या इथले सामाजिक कार्यकर्ते कोर्टात गेले होते, त्यांनी स्टे दिला होता आणि कोर्टाचा स्टे असल्यामुळे इथे काम होऊ शकलं नाही. मी समीर मेघेंना सांगितलं, वकिलाकडे पाठवलं, ऍडव्होकेट जनरलकडे पाठवलं आणि खऱ्या अर्थाने आज या पुलाचं भूमिपूजन होत असेल तर याचं सगळ्यात मोठं श्रेय कोणाला असेल तर समीर मेघेंना, कारण त्यांनी या संदर्भातल्या सगळ्या किचकटी ज्या होत्या अडचणी सोडवल्या आणि त्यामुळे आता